हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी डिज़ाइन के एक बूट, जिसे आप अपनी पसंदगी के फैब्रिक से बना सकते हैं अपनी पसंदगी के कलर और डिज़ाइन के साथ। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले हम अपने पैरों का नाप लेंगे, तो उसके लिए मैंने ये एक पेपर ले लिया है। पेपर के ऊपर हमें इस तरह से पैरों को रखना है और यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने इसे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब साइड में हाफ इंच की जगह छोड़ते हुए हमें इस तरह से एक्स्ट्रा एक ड्रॉ कर लेना है और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये मैंने कट कर लिया है। अब मैंने ये एक फैब्रिक लिया है, ये हाफ से भी हाफ मीटर फैब्रिक है और आप अपनी पसंदगी का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और ये इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो ये हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है, ये डबल फैब्रिक है। अब इसके साइज के हमें फोम लेने हैं, अस्तर लेने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अस्तर लिया है और फोम की जगह पर मैंने ये एक पुराने टावल का यूज़ किया है। आप कोई भी पुराना टावल है या फिर नेक पिन है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक रखा है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ से इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा कर इसे अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से सीधी सीधी सिलाई करके इसे पैक कर लिया है। अब हमने जो ये ड्राफ्ट बनाया था इसे हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे और एक हिस्सा हम यहाँ से और कट कर लेंगे इस तरह से रख कर। तो ये हमारे दोनों पैर का बेसिक इस तरह से रेडी हो जाएगा। सो गाइस, देखिए ये मैंने दो पीस इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, तो उसके लिए हमें इस तरह से मेजरमेंट लेना है। यहाँ से मैं ऊपर तक ये 5 इंचेस का लूँगी। आपका जितना भी आ रहा है आप उतना ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ ये 5 इंच। अब हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे, तो ये जो हमारा जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। तो ये मेरा हो रहा है 6 इंच। तो ये मैंने एक इस तरह से 6x5 इंच का एक रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है, स्क्वायर पीस ले लिया है। अब ये जो पीस है इसके ऊपर हम इसे रखेंगे, यहाँ पर हम मिडल में मार्क कर लेंगे इसमें और यहाँ पर भी हमें इसका सेंटर निकालना है। अब ये जो इसका सेंटर है उसे हम इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब जैसे हमने ये वाला बेस रेडी किया था, नीचे अस्तर लाइनिंग का फैब्रिक लिया, मिडल में ये हमने टॉवल को ऐड किया है और ऊपर ये मेन फैब्रिक, उस तरह से हम इसके भी दो पीस रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह के दो पीस रेडी कर लिए हैं। अब जैसे हमने इसका सेंटर निकाला था उसी तरह से हम इसे फोल्ड करके इसका सेंटर भी निकाल लेंगे। अब इसका साइड का जो प्लेन फैब्रिक है उसका यूज हम करेंगे, सीधी स्ट्रिप कट कर लेंगे इससे हम। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से यहाँ पर रखना है और यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसे सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर भी हमें एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करना है
और एक बार और ऊपर यहाँ फोल्ड करके यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर ली है, ये पाइपिंग यहाँ पर लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर सेंटर निकाला था उस सेंटर को और इसके सेंटर को हमें मिलाना है। अब यहाँ से लेके हम यहाँ इस तरह से सिलाई कर लेंगे, यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से हम यहाँ सेकंड साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो ये सीधी साइड से ये हिस्सा इसका है, लेकिन हम ये उल्टा रखकर सिलाई करेंगे, तो ये हमें इस तरह से सिलाना है। सो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने इस तरह से यहाँ पर सिल लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ नीचे से मेजरमेंट लेते हुए एक फैब्रिक लेना है और बैक साइड के लिए जो हम ये फैब्रिक ले रहे हैं उसकी लंबाई आपको इस तरह से लेनी है। यहाँ से लेकर मैं इस तरह से ये मेरा मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आपका जितना हो रहा है आप इतना 3 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ूंगी और उसके बाद हम यहाँ से इसे इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे, तो यहाँ से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, तो ये मेरा हो रहा है 10.5 इंच। तो ये मैंने इस तरह से नीचे लाइनिंग और बीच में टॉवल लगाकर ये स्ट्रिप को रेडी कर लिया है, ये है 10.5 इंचेस और यहाँ से ये है 2.5 इंच। अब जैसे हमने यहाँ पर ये पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से हम इसके एक साइड पाइपिंग लगा लेंगे और यहाँ पर हमें पहले इस तरह से थोड़ा सा डाउन कट करना है। एक साइड से हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लेंगे। अब ये हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग यहाँ पर रेडी कर ली है। अब इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसका भी सेंटर निकालेंगे और यहाँ भी इसका भी सेंटर लेना है हमें और यहाँ से हम इस तरह से इसे अटैच करेंगे, ये एकदम सेंटर में रखना है हमें और यहाँ से हम इस तरह से राउंड में सिलाई करेंगे और ये इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अगर ये आपको ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ टांके लगा देंगे, अच्छे से मजबूती से हमें यहाँ पर टांके लगा लेने हैं यहाँ दोनों साइड, और ये आप सीधा करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे दोनों बूट इस तरह से रेडी हैं, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से टांके भी लगा दिए हैं। अब मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग आ गई है इसकी और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप भी इस तरह के ब्यूटीफुल फैब्रिक का यूज़ करके घर में पहनने के लिए इस तरह के बूट बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इसमें ठंड भी नहीं लगती है। और इसे आप कोई भी फैब्रिक यूज़ करके अपनी पसंदगी का कोई भी कलर यूज़ करके बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।